नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर में ग्राम कान्हापुर में विधायक राजेंद्र दादू के अंतिम यात्रा में हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय कोच अलेक्जेंड्रा मारिया पिंटो ने खेल मंत्री यशोधराजे सिंधिया से की मुलाकात, साथ ही भारतीय टीम के प्रशिक्षण कैंप का लिया जायजा। और राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुनीता त्रिपाठी ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विधायक राजेंद्र दादू के बुरहानपुर स्थित ग्राम कान्हापुर पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय दादू के परिजन से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने स्वर्गीय दादू की शव यात्रा में शामिल होकर उनके पार्थिव शरीर को कांधा भी दिया। निष्पक्ष सिर्फ रहे नहीं, दिखे भी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुनीता त्रिपाठी ने ये बात रिटर्निंग ऑफिसर्स और मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में कही। नगरपालिका परिषद मंडीदीप, मैहर, नगर परिषद ईसागढ़ और जनपद पंचायत मवई जिला मंडवा में आम निर्वाचन 2016 प्रस्तावित है। सचिव सुनीता त्रिपाठी ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन की प्रक्रियाओं में अनेक परिवर्तन किए गए हैं, सभी अधिकारी नवीन निर्देशों का अध्ययन करें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में संपूर्ण मध्य प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल वृत्ति का भी वितरण किया जाएगा। इस संबंध में संचालक खेल और कल्याण द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मार्कफेड के एमडी बीएम शर्मा आज सीहोर आए और कलेक्टर डॉक्टर सुदाम खाड़े के साथ संचालित प्याज खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने खरीदी में लगे अमले को निर्देशित किया कि शासन की मंशानुरूप किसानों को प्याज विक्रय में कोई समस्या न आए, साथ ही किसानों को जागरूक किया जाए कि वे असुविधा से बचने के लिए सड़े गले प्याज को अलग कर किसी भी आकार और रंग का प्याज लाएंगे तो वह शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर तत्काल खरीदा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एमएसटीवी की सारी खबरें आप अपनी वेबसाइट के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।